किसी ने खूब कहा है, वो खुद फरेबी की सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। देश की जंग आज़ादी जिसमें हिंदुस्तान का मुसलमान न सिर्फ तन मन धन से शरीक था, बल्कि हकीकत ये है कि जंग का बिगुल ही इसने बजाया था। मगर आज हालात की सितम जरीफी और फिरका परस्त जहनों की पैदावार के नतीजे में हालात ये हो गए हैं कि जब किसी भी मौके पर देश की आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वालों का जिक्र आता है, तो कोई भी स्टेज हो, मीडिया हो या नेताओं का भाषण हो, बस कुछ खास नामों का डंका पीट दिया जाता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया। और जिस आज़ादी की बुनियाद में लाखों माओं के सपूतों का खून है, जिसे छूने के लिए कितनी गर्दनों ने फांसी के फंदों के हार पहने हैं, उसे इस तरह बयान किया जाता है कि जैसे कि वो किसी गुलाम देश की नहीं बल्कि दो भाइयों या पड़ोसियों की जायदाद के बंटवारे को लेकर छोटी मोटी कोई लड़ाई थी। और फिर कुछ लोग उठे, उन्होंने उन्हें समझा बुझा कर फैसला करा दिया, जबकि हकीकत ये नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले मुसलमानों और ख़ास तौर पर उलमा किराम ने लगभग 100 साल तक अंग्रेज़ों से टक्कर ली और मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन अब इतिहास को एक सोची समझी साजिश के तहत बदला जा रहा है, जिसका शिकार आज के वो मुस्लिम नौजवान भी हैं जिन्होंने उस दौर की तारीख उन्हीं फिरका परस्तों के स्टेज से सुनी या उनकी किताबों से पढ़ी है। वो हैरान हैं, उनके जहन में सवालात का सैलाब है कि फिर हम कौन हैं, इस देश में कहां से आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने देश के लिए क्या किया, वगैरह वगैरह। उन्हें कौन बताए कि तुम्हारे बुजुर्गों ने आज़ादी के सिलसिले में जो कोशिशें और कुर्बानियां दी और जिसको बुनियाद बनाकर बाद में आने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का बिगुल बजाया, जिसके नतीजे में फिर हिंदुस्तान ने आज़ादी का सूरज देखा, वो सब के सब तारीख में महफूज हैं। तारीख में हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का जिक्र आम तौर से 1857 से मिलता है, जबकि जानने वाले जानते हैं कि जंग आज़ादी की शुरुआत 1857 से नहीं हुई, बल्कि 1857 तो एक दरमियानी पड़ाव था। बहुत पहले से हजरत सैयद अहमद शहीद की रहनुमाई में आज़ादी के मतवाले मालाबार के इलाके फतह करके अफ़गानिस्तान तक पहुँच चुके थे। इसके अलावा मादरे वतन की आज़ादी के लिए अगर किसी जियाले ने अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार उठाई तो वो श्रीरंगापट्टनम का शेर और हिंदुस्तान का नेपोलियन कहे जाने वाला टीपू सुल्तान था। अब देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों में से सिराजुद्दौला, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल और अशफाकुल्ला खान जैसे कुछ ही नाम आपको लिखे मिलेंगे। अब सवाल ये है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए शुरुआत कब हुई और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। साल था 1498 ईस्वी, जब वास्को डी गामा की कयादत में यूरोप के मल्लाहों ने पहली बार हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखा और तटीय इलाके कालीकट में अपने व्यापारिक कामों की शुरुआत की। फिर इसी बहाने पुर्तगालियों ने दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्रों में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए और जो भी उनकी इस मुहिम के सामने आया उसे नहायत बेदर्दी से कुचल डाला। पुर्तगालियों की देखा देखी यूरोप के दूसरे देशों के लोग भी लालच और हिर्स की वजह से दौलत समेटने के लिए सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जे हुए। चुनांचे इंग्लिस्तान के 101 व्यापारियों ने 30,000 पाउंड की पूंजी जमा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई और 1601 ईस्वी में उसके जहाज पहली बार हिंदुस्तान रवाना हुए। उन्होंने अपना बड़ा केंद्र बंगाल को बनाया और फिर वहीं से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का आना शुरू हुआ। व्यापार की आड़ में वो अपनी फौजी ताकत भी धीरे धीरे हिंदुस्तान में लाते रहे। इस दौरान ये लोग मुग़ल बादशाहों के दरबार में जा पहुँचे और अपने आप को व्यापारी बताकर मुग़ल बादशाहों से अपने लिए अमन हासिल कर लिया और इस तरह अपने पाँव मजबूत करते रहे। लेकिन सुल्तान औरंगजेब की वफात तक मुग़ल शासन मजबूत होने की वजह से अंग्रेज़ों को बाकायदा कोई कामयाबी नहीं मिली। उनकी वफात के बाद जब दिल्ली की केंद्रीय सरकार कमज़ोर पड़ गई और हिंदुस्तान के सूबों में अराजकता का दौर शुरू हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए।
जिसका पहला अफसोसनाक हादसा 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में देखने को मिला, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की फौज अपनों की साजिश और विश्वासघात का शिकार होकर ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर लेकिन ट्रेंड फौज के मुकाबले में हार गई और इस तरह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। देख रहे थे YouTube चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।